आयरलैंड यूरोप का एक छोटा सा देश, एक आइलैंड जिसकी कुल पॉपुलेशन 50 लाख लोगों से भी कम है। आयरलैंड साइज में इतना छोटा है कि इंडिया के नक्शे में 47 आयरलैंड फिट हो जाएंगे। उसी आयरलैंड की जमीन पर 14 जुलाई 1988 यानी आज से 33 साल पहले एक आदमी का जन्म हुआ। एक ऐसा आदमी जो आने वाले समय में बनने वाला था मिक्स मार्शल आर्ट्स की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक। आज हम बात करेंगे द वन एंड ओनली कॉनर एंथनी मैकग्रेगर की और जानेंगे आखिर कैसे एक प्लम्बर बना दुनिया का सबसे अमीर स्पोर्ट्स एथलीट। With all the gods. Gods recognize gods. May very well be, Joe, not just fighting, the biggest star in the world today. It is what it is. I'll face it like a man, like a champion, and come back and do it again. He should have killed me when he had the chance, because now I'm back and I'm going to kill you and your whole fucking team. You and them bitch tits. For the winner by majority decision, the notorious Conor McGregor! Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! Conor McGregor का जन्म आयरलैंड की कैपिटल डबलिन में हुआ था। पिता का नाम टोनी मैकग्रेगर और माँ का मार्गरेट मैकग्रेगर। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो कि साधारण सा जीवन जी रही थी। कॉनर के पिता टोनी घर को संभालने के लिए 3 अलग अलग जॉब्स करते थे, वही माँ भी घर के साथ पति का हाथ बटाने के लिए जॉब कर रही थी। बचपन से ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड कॉनर को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। ही यूज टू प्ले फॉर अ लोकल फुटबॉल क्लब एंड वॉज बिग फैन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। हर संडे वो अपने पिता के साथ फुटबॉल मैच खेलने जाता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कॉनर बहुत ही शाय और शांत स्वभाव का बालक था। रोज स्कूल की छुट्टी के बाद घर जाते वक्त कुछ बच्चे कॉनर को वर्बली अब्यूज करते और कभी कभार फिजिकली हर्ट भी। हर रोज बुली होना, दूसरे बच्चों की गाली और मार सहना, इन सब चीजों से परेशान होकर कॉनर अपने साथ स्कूल बैग में एक छोटा डंबल छुपा कर ले जाने लगा और छुट्टी के टाइम घर आते वक्त बैग की चेन को खोल के रखता इस डर में कि अगर कोई उस पर अटैक करे तो वो डंबल से उसका मुंह फोड़ देगा। But fortunately, he never had to use it. एक दिन कॉनर ने डिसाइड किया कि इन बुलीज का कुछ करना पड़ेगा और 12 साल की उम्र में कॉनर ने एक बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन किया जहां वो फिल स्कटलिफ जैसे बड़े बॉक्सर्स के साथ ट्रेनिंग करने लगा। बॉक्सिंग ट्रेनिंग के दौरान कॉनर ने अपना फाइटिंग स्टैंस और स्ट्राइकिंग टेक्निक जनरेट करी। कह सकते हैं फ्यूचर कॉनर मैकग्रेगर की नींव डल चुकी थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बट देन इन 2006 कॉनर के माता पिता पूरी फैमिली समेत क्रमलिन टाउन, जहां वो 12-13 साल से रह रहे थे, वहां से ल्यूकन एक दूसरे टाउन शिफ्ट हो जाते हैं। एकदम से सब कुछ बदल गया, नया घर, नई जगह, नए दोस्त। कॉनर की बॉक्सिंग छूट जाती है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो हमें एडजस्ट करने में टाइम तो लगता ही है। कुछ समय खाली बैठने के बाद कॉनर अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए एक MMA क्लब ज्वाइन करता है, जहां उसकी मुलाकात टॉम ईगन से होती है जो कि आने वाले समय में प्रोफेशनल MMA बाउट खेलने वाला था। वो दोनों और बाकी के और फाइटर्स ट्रेनिंग करने लगते हैं। कॉनर का इंटरेस्ट MMA की ओर बढ़ने लगता है और कहीं ना कहीं ही वांटेड टू टेक हिज MMA जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल। बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी, घर वाले इन सब चीज़ों के खिलाफ थे। उन्होंने बोला कि भाई तुझे MMA सीखना है सीख, लेकिन इस फील्ड में करियर बनाने का मत सोचियो। उनकी सोच एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की थी। They don't wanted to take any risk about Connor's professional career choice. उनका ये मानना था कि हमने काफी स्ट्रगल करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, so you should have a stable job, not risking your life. आयरलैंड में एक रूल है कि अगर तुमने बेसिक स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और आगे नहीं पढ़ना चाहते तो तुम्हें कोई छोटा मोटा कोर्स करना है किसी काम का और उस फील्ड में जॉब करनी है, तुम खाली नहीं बैठ सकते। कॉनर के पिता ने उससे बोला कि तू प्लम्बिंग का कोर्स करके इस फील्ड में काम कर, बट कॉनर हैड नो इंटरेस्ट इन दिस। उसे सिर्फ और सिर्फ MMA खेलना था।
लेकिन कॉनर करे तो क्या करे, अपनी इच्छाओं को मारकर घर वालों की सुनकर कॉनर 17 साल की उम्र में प्लम्बिंग का काम शुरू कर देता है। सुबह 5:30 बजे उठना, 1 घंटा पहाड़ों पर ट्रैक करके हाईवे तक जाना, फिर वहां अपने बॉस का वेट करना जो फिर 2 घंटे ड्राइव करके मेन साइट पर ले जाता, और वहां 12 से 13 घंटे प्लम्बिंग का काम करना, और वो भी ऐसे लोगों के बीच जिनकी उम्र कॉनर से डबल या ट्रिपल थी। एक इंटरव्यू में कॉनर से पूछा गया व्हाई ही क्विट द प्लम्बिंग जॉब एंड ही सेड दिस, इट जस्ट वाज नॉट अ लाइफ फॉर मी, द होल एक्सपीरियंस वाज हैवी walk, you know, I'd wake up at like 5:30 in the morning, I'd walk about a half an hour, hike uphill, out onto a motorway, I'd stand out onto the motorway with his cars ripping by full speed, and I'd have to wait for this country guy, a redneck you would call him, would pull in, and I'd have to bunk into the back of his car, and we'd drive 2 hours in the traffic all the way to the site, and then you're on the cold building site, and you're looking around with all these old people, and their back is f***ed up, and everyone's in a bad way, It was just, and I'm the young kid, so I'm getting ordered to do this and ordered to do that, and it was just a rough time for me, and I knew that I did not want to pursue this life. This, why do this? Why walk to the grave? You know what I mean? This is not what life is meant to be. So I left and I quit and I went home and I told my father. I said, "There's not a hope in hell you're going to ever get me back on that building site again." And he essentially said, "We'll see about that." And we had many, many fights where he tried to get me onto the back onto the building site. But I did not. Although I may have lost the fights we had, but essentially I won because I did not go back to the building site. जब कॉनर ने कहा कि अपने पिता से उसकी लड़ाई होती थी, तब उसका मतलब था एक्चुअल फाइट। बोले तो लात घुसे वाली। आई नो ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि बाप बेटे एक दूसरे में घुसंड भर रहे हैं। But it's just another Irish thing. Connor ने अपनी plumbing job छोड़ दी थी। वो अपने passion को follow करना चाहता था, which was playing MMA and ultimately becoming a world champion. घर वाले और बाकी relatives इसके सख्त खिलाफ थे, पर Connor अपने फैसले पर 100% sure था। घर पर initial days में किसी ने भी इस decision का support नहीं किया। एक दिन उसने अपने पिता से बोला कि मैं 25 साल की उम्र में आपको एक millionaire MMA fighter बन के दिखाऊंगा। उसके पिता हंस के इस बात को टाल देते हैं। कॉनर के लिए पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं था, और हम भी चलते हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट की ओर। मिक्स मार्शल आर्ट्स में एमएमए प्रमोशंस होती हैं, जैसे कि केज वॉरियर्स, वन चैंपियन वगैरह। ये एमएमए ऑर्गेनाइजेशंस या प्रमोशंस प्लेयर्स को साइन करती हैं अपने अंडर। इन सब एमएमए ऑर्गेनाइजेशंस में से यूएफसी दुनिया की सबसे बड़ी प्रमोशन है। हर कॉम्बैट स्पोर्ट जैसे कि बॉक्सिंग, एमएमए, जिजित्सु, जूडो, किक बॉक्सिंग वगैरह, इन सब में अलग अलग वेट डिविजन्स होते हैं। हर प्लेयर अपने स्किल, साइज एंड हाइट के हिसाब से अपने वेट डिविजन सिलेक्ट करता है। मिक्स मार्शल आर्ट्स में भी अलग अलग वेट डिविजन्स हैं। हर कैटेगरी के प्लेयर की आपस में फाइट होती है। एट द एंड जो टॉप 2 प्लेयर होते हैं एक पर्टिकुलर वेट डिविजन के, उनका मेन इवेंट होता है जिसे टाइटल मैच भी कहते हैं। और जो मेन इवेंट को जीतता है वो बन जाता है वर्ल्ड चैंपियन और उस डिवीजन का करंट टाइटल होल्डर। हमें अभी सिर्फ 3 वेट डिवीजन्स को समझने की ज़रूरत है। फेदर वेट, जिसके अंदर मैक्सिमम वेट एक प्लेयर का 61.2 केजी हो सकता है, लाइट वेट में 65.8 केजी और वेल्टर वेट में 70.3 केजी। घर वालों के खिलाफ जाकर कॉनर ने एमएमए की ट्रेनिंग वापस रिज्यूम कर ली। 17 फरवरी 2007, कॉनर मैकग्रेगर मेड इज एमएमए डेब्यू, और अपने पहले मैच में ही उसने टेक्निकल नॉकआउट के जरिए जीत हासिल कर ली। पहली डेब्यू फाइट के बाद कॉनर प्रोफेशनल प्लेयर बन गया। उसे आयरिश केज ऑफ ट्रुथ प्रमोशंस ने साइन कर लिया, और 9 मार्च 2008 को उसने अपने लाइफ की पहली प्रोफेशनल एमएमए फाइट लड़ी लाइटवेट डिवीजन में, एंड ही वॉन द फाइट इन सेकंड राउंड बाय टीकेओ। अपनी दूसरी फाइट में भी जीत हासिल करने के बाद कॉनर ने
फेदरवेट डिवीजन में डेब्यू किया और अपनी पहली हार फेस करी सबमिशन के थ्रू। फेदरवेट में पहली हार के बाद दो फाइट्स उसने जीती एंड ही केम बैक इन लाइटवेट डिवीजन, पर फिर से उसे हार का सामना करना पड़ा और इस बार भी वो सबमिशन से हारा। दो साल में कॉनर ने 6 फाइट्स लड़ी लाइटवेट और फेदरवेट कैटेगरी में, जिसमें से वो 4 जीता टीकेओ से और 2 हारा सबमिशन से। कॉनर का सपना था वर्ल्ड चैंपियन बनने का, क्योंकि आज तक एमएमए की दुनिया में कोई भी आयरलैंड का फाइटर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना था। कोशिश कईयों ने करी लेकिन टॉप पर कोई नहीं पहुंच पाया। 2011 से 2012 तक कॉनर ने बैक टू बैक 8 फाइट्स जीती और इसी दौरान वो बना केज वॉरियर्स में फेदरवेट और लाइटवेट डिवीजन का वर्ल्ड चैंपियन, मेकिंग हिम द फर्स्ट एवर यूरोपियन प्रोफेशनल मिक्स मार्शल आर्टिस्ट टू होल्ड टाइटल्स इन 2 डिवीजन साइमल्टेनियसली। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी एमएमए फाइटर्स अपने वेट डिवीजन में ही खेलते हैं, चैंपियन बनते हैं और फिर अपने टाइटल को डिफेंड करते हैं। बट कॉनर मैकग्रेगर ने पहले फेदरवेट डिवीजन में चैंपियनशिप टाइटल जीता और फिर वेट बढ़ाकर लाइटवेट डिवीजन के चैंपियन को चैलेंज किया और उसे हरा के उस डिवीजन का भी वर्ल्ड चैंपियन बन गया। ऐसा मिक्स मार्शल आर्ट्स की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि एक फाइटर एक ही टाइम पर 2 अलग अलग वेट डिविजन्स में चैंपियन है। अब कॉनर के लिए नेक्स्ट क्या? उसका वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना पूरा हो गया, लेकिन एक सपना एक गोल अभी अचीव करना बाकी था। My dream is to be world champion, world lightweight champion in the UFC. 2, 1. This is the hardest record ever. UFC, Ultimate Fighting Championship. दुनिया की सबसे बड़ी एमएमए ऑर्गेनाइजेशन। कॉनर का सपना था कि वो यूएफसी में खेले और यहाँ भी वर्ल्ड चैंपियन बने। एज कम्पेयर टू अदर एमएमए ऑर्गेनाइजेशंस, यूएफसी की ग्लोबल रीच अलग ही लेवल पर है। अगर किसी एमएमए फाइटर को यूएफसी में खेलना है तो उसका ये सपना सिर्फ एक आदमी पूरा कर सकता है और उसका नाम है डैना वाइट। डैना वाइट पिछले 2 दशकों से यूएफसी के प्रेसिडेंट हैं और इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बड़े शेयर होल्डर्स में से एक। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप को इस मुकाम पर पहुंचाने में डैना वाइट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। साल था 2013। डैना वाइट को ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में किसी अवार्ड से नवाजा गया जिसके लिए वो डबलिन में थे। अवार्ड सेरेमनी के बाद डैना वाइट ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट डाला और सभी आयरलैंड के यूएफसी फैंस को बोला कि मैं पास के ही एक क्लब में आज शाम जाऊंगा, अगर किसी फैन को मिलना है तो वो आ सकता है। इट वॉज अ स्मॉल गेट टूगेदर फॉर हिज फॉलोअर्स। उस पार्टी में चारों तरफ एमएमए की बातचीत हो रही थी और सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, कॉनर एंथनी मैकग्रेगर। ये वो पहला पल था जब डैना ने कॉनर के बारे में सुना और सब ने डैना को इंसिस्ट किया कि कॉनर को यूएफसी में एक मौका दो। एंड गेस व्हाट, नेक्स्ट वीक कॉनर वॉज इन लास वेगस हैविंग डिनर विद डैना वाइट एंड साइनिंग हिज यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट। डैना ने बिना कॉनर की फाइट देखे सिर्फ उसके बारे में सुन के उससे मिलकर उसे साइन कर लिया। एक इंटरव्यू में डैना ने बताया कि जब वो पहली बार कॉनर से मिला तो उसे फील हुआ दैट ही वॉज डिफरेंट। डैना ने कॉनर से एक डील करी कि तू अगर अपनी पहली यूएफसी फाइट में ओपोनेंट के ऊपर एक सिंगल पंच भी लैंड कर सकेगा तो तुझे $60,000 अलग से मिलेंगे। डील वॉज डन। 2 महीने बाद 7 अप्रैल 2013 को कॉनर मैकग्रेगर ने अपना यूएफसी डेब्यू किया अगेंस्ट मार्कस ब्रिमेज। So we are excited to see Conor McGregor step into the octagon and right into battle, Brimage in the white. This is exactly what Brimage needs to do. He needs to dump down the fight. He can't let him. Slip in a little counter. You can see how comfortable on the feet McGregor is. It's unbelievable. Look at the angles. He circles. He can fight going forwards. He can fight going backwards. Look at that uppercut. Conor McGregor with the official. Thank you very much. Dana! 60 G's, baby! अपनी फर्स्ट फाइट फर्स्ट राउंड में नॉकआउट से जीत ली। इस फाइट के लिए उसे $16,000 मिले प्लस $60,000 फ्रॉम डैना फॉर द नॉकआउट। फाइनली मनी वॉज कमिंग इन। पहले कॉनर को एक फाइट लड़ने के 900 से 1000 पाउंड मिलते थे, यानी तकरीबन 9000 से 10000 रुपए के करीब। लेकिन यहाँ उसने अपनी पहली यूएफसी फाइट के अंदर ही 50 लाख रुपए से ज्यादा कमा लिए। अपनी अगली 2 यूएफसी फाइट भी उसने जीत ली और सबकी नजर अब कॉनर मैकग्रेगर पर थी, एक उभरता हुआ एमएमए फाइटर।
clean sweep for the Irish. I said it last year. We're not here just to take part. We're here to take over. Conor world champion बन चुका था. UFC में खेलने का उसका सपना पूरा हो गया था. उसके पास finally पैसे भी आ रहे थे. But it was not all for him. स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत से बड़े खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन कुछ चंद ही ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपनी छाप इतनी गहरी छोड़ी है कि चाहे समय कितना ही आगे क्यों ना बढ़ गया हो, लोग हमेशा उन्हें याद रखते हैं. जैसे कि बॉक्सिंग की दुनिया में मोहम्मद अली, बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन, गोल्फ में टाइगर वुड्स, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, फुटबॉल में रोनाल्डो वगैरह और ना जाने ऐसे कितने सारे. महान खिलाड़ी होने के साथ इनके अंदर कुछ ऐसी बात थी कि पूरी दुनिया इन्हें सहारती है. लोग इन्हें खेलता देखने के लिए मानो पागल से ही हो जाते थे. खिलाड़ी तो बहुत सारे आए, पर ऐसा जादू करने वाले बहुत कम. MMA की दुनिया में से आज तक ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं निकला था. कॉनर मैकग्रेगर को इन महान खिलाड़ियों के क्लब में शामिल होना था. एंड इन ऑर्डर टू अचीव दैट, ही बिकेम द बैड गाय ऑफ UFC. Superstar Conor McGregor was taken into custody. Listen, you don't like Khabib. Conor MMA world में headline बन गया था. UFC में fights को promote करने के लिए players अपना पूरा दमखम लगा देते हैं. जो बड़े बड़े main events होते हैं combat sports में, वो ज्यादातर PPV होते हैं, यानी pay per view. Online and offline fight की tickets को बेचा जाता है and वहां से earning होती है. In order to sell maximum tickets for a fight, one needs to create a solid hype. और UFC में फाइट बेचने के मामले में कॉनर से तगड़ा कोई नहीं है. वो अपनी फाइट से पहले इतनी हाइप बना देता है जिसकी कोई हद नहीं. अपने ओपोनेंट्स के साथ ट्रैश टॉक करना, इंटरव्यूज में ऐसी बातें बोलना, वो एक अलग ही एनवायरनमेंट बना देता है अपनी फाइट्स के दौरान. एंड इफ दिस वॉज नॉट इनफ, ही स्टार्ट्स टू प्रिडिक्ट हिज फाइट्स. Conor McGregor burst onto the scene boasting that he was going to knock people out in the first round. He was going to do this, he was going to do that, and he's done everything he said he would do. Conor McGregor, another first round win! Wow! Conor अपनी फाइट से पहले ही बता देता था कि मैं इस राउंड में इस पंच या इस टेक्निक के थ्रू अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करूंगा और फाइट जीतूंगा. एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बल्कि बार बार कॉनर अपनी फाइट्स की प्रेडिक्शन करने लगा और सब सही होने लगी. और वहीं से उसका नाम पड़ गया, द मिस्टिक मैक. कॉनर का MMA करियर इस वक्त उसके प्राइम पर था. साल था 2015, 11 जुलाई. कॉनर मैकग्रेगर की UFC के अंदर पहली चैंपियनशिप फाइट थी फेदरवेट डिवीजन में. और इस फाइट की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. उस समय UFC के अंदर फेदरवेट डिवीजन का टाइटल होल्डर था जोसे अल्डो, एक बहुत ही खतरनाक ब्राजीलियन MMA फाइटर जो कि पिछले 10 साल से एक भी चैंपियनशिप टाइटल मैच नहीं हारा था. Eu nunca lutou contra o campeão. José Aldo remains the UFC featherweight champion. There has been one UFC featherweight champion ever. That is José Aldo. And he has beaten every man they put in front of him for the last decade. And without a doubt, will be the very best fighter that Conor McGregor has ever faced. Conor McGregor back-to-back fights jeet raha tha featherweight division mein. तो ये ऑब्वियस था कि उस साल की जो मेन चैंपियनशिप फाइट होगी वो जोसे अल्डो और कॉनर मैकग्रेगर के बीच होगी. कॉनर विल फाइट टू अर्न द चैंपियनशिप टाइटल एंड जोसे अल्डो विल फाइट टू डिफेंड हिज टाइटल. सब कुछ फाइनलाइज हो गया था, बट एंड मौके पर जोसे अल्डो ने फाइट लड़ने से मना कर दिया ड्यू टू रिब फ्रैक्चर इंजरी. कॉनर के अपोनेंट को चेंज किया गया एंड चैड मेंडेस वॉज नाउ हिज न्यू अपोनेंट. फाइट टुक प्लेस ऑन जुलाई 11, 2015 एंड गेस फॉट. Conor McGregor knocked out Chad Mendes in second round via TKO. McGregor UFC का world champion बन चुका था. Finally, उसका सपना पूरा हुआ. पर क्या सही में? इस fight की जीत के बाद Conor को interim world champion का title मिल गया, which exactly does not mean that you are a true champion.
ऐसा इसलिए क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जब किसी पर्टिकुलर वेट डिवीजन का चैंपियन अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए अवेलेबल नहीं होता लीगल या मेडिकल प्रॉब्लम्स के चलते, तब चैलेंजर की फाइट किसी और से कराई जाती है मेन इवेंट को पूरा करने के लिए। इस केस में मैंने आपको ऊपर बताया कि कॉनर की फाइट करंट टाइटल होल्डर जोसे अल्डो से होनी थी, बट वो रिब इंजरी की वजह से बैकआउट कर गया और फिर कॉनर की फाइट चैड मेंडेस से हुई। इस वजह से कॉनर को वो सपोर्ट, वो प्यार नहीं मिल रहा था जो उसे तब मिलता जब वो जोसे अल्डो को हरा कर बेल्ट को जीत जाता, और ये चीज़ कॉनर को बहुत खलक रही थी। कॉनर का मीडिया के साथ काफ़ी बैक एंड फोर्थ हुआ जब वो उसे इंटरिम चैंपियन के नाम से एड्रेस करते। You're not the champion yet. I am the champion. Well, you're actually the interim title holder at the moment. I'm a three-time world champion. At the moment, you're the interim featherweight champion. And at the moment, holds the belts. At the moment, I'm the Cage Warriors world featherweight champion. I'm the Cage Warriors world lightweight champion. I'm the UFC 145-pound featherweight world champion. But when you beat Jose, you become the unified champion. Mm-hmm. Okay, that's... He has one, I have one. My one's... you're only as good as your last one. His last one... 15 months ago. Who's the champion? पहली फाइट कैंसिल हो जाने के बाद दोनों फाइटर्स फाइनली आमने सामने आ रहे थे। This was the most anticipated fight in featherweight division. Jose Aldo 10 बार टाइटल मैच जीत चुका था। He was the favorite for many. वहीं दूसरी तरफ कॉनर मैग्रेगर अपने प्राइम पर था। उसने अभी तक यूएफसी के अंदर कोई भी फाइट नहीं हारी थी, एंड ही वाज इवन प्रेडिक्टिंग हिज फाइट डूइंग एग्जैक्टली व्हाट ही वाज सेइंग। इस फाइट को खतरनाक तरीके से प्रमोट किया गया, एंड एज यूजुअल कॉनर वाज डूइंग व्हाट ही इज मेंट टू डू, सेलिंग द फाइट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। Look into my eyes, little man. Little Brazilian. Ooh, vamos, hey. What you got to say now, face to face, man to man, what you got to say? What you got to say? Otario. You know what that means? Here we go, ladies and gentlemen, introducing the notorious Conor McGregor! Hold on, Conor. Hold on. Good job. 145 for Mr. McGregor. 145. 145 for the champion. कॉनर ने फाइट से पहले ये प्रेडिक्शन दी कि वो जोसे अल्डो को पहले राउंड में ही नॉकआउट कर देगा। एमएमए वर्ल्ड की दुनिया को जो फॉलो करते हैं, वहाँ के लोगों ने ये बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं है। जोसे अल्डो एक बहुत ही खतरनाक फाइटर है और वो पिछले 10 साल से लगातार फेदरवेट डिवीजन का वर्ल्ड चैंपियन है, तो उसको हराना इतना भी आसान नहीं होगा। 13 दिसंबर 2015 दोनों फाइटर्स आमने सामने आए, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। To fight. This is the main event of the evening. The notorious Conor McGregor, defending undisputed featherweight champion of the world, Jose. The most highly anticipated featherweight fight of all time. Conor looks extremely loose, and Aldo looks like he's feeling the pressure of this moment. Here we go! Green trunks for the southpaw, the notorious Conor McGregor. Black trunks for the champion, Jose Aldo Jr. Conor relaxed. He threw
द मेन इवेंट ऑफ द नाइट। चैंपियनशिप फाइट के पहले राउंड के 13 सेकंड्स के अंदर कॉनर ने अपने सबसे खतरनाक वेपन लेफ्ट हुक से जोसे अल्डो को नॉकआउट कर दिया। हिस्ट्री वॉज रिटन डैट डे। ये दुनिया की फास्टेस्ट विनिंग चैंपियनशिप फाइट थी किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, जिसमें मात्र 13 सेकंड के अंदर काम 25 कर दिया गया। कॉनर मैकग्रेगर इज नाउ अ ट्रू चैंपियन एंड द अल्टीमेट मिशन वॉज फाइनली कंप्लीट। फेदरवेट डिवीजन में चैंपियन बनने के बाद कॉनर ने सोचा कि वो लाइटवेट डिवीजन में लड़कर वहां भी चैंपियन बनेगा। बेसिकली वो केज वॉरियर्स में दो डिवीजन में चैंपियन वाली चीज यूएफसी में भी रिपीट करना चाहता था। लाइटवेट डिवीजन में दो फाइटर्स को रिकमेंड करा गया कॉनर के अगेंस्ट, बट दोनों ने ही फाइट लड़ने से मना कर दिया। फाइट तो होनी थी और नेट डियास ने बोला कि वो लड़ेगा कॉनर मैकग्रेगर से, लेकिन उसके पास तैयारी करने के लिए सिर्फ 11 दिन थे। नेट डियास को 11 दिन पहले फाइनलाइज किया गया फाइट के लिए। ये फाइट थी लाइटवेट डिवीजन की, लेकिन नेट डियास का वजन जो था वो बड़ा हुआ था। ऐसे में कॉनर ने बोला कोई बात नहीं, हम ये फाइट वेल्टरवेट डिवीजन में लड़ेंगे जिसमें मैक्सिमम वेट 70 kg होना चाहिए। एंड दिस वॉज अ बिग मिस्टेक। कॉनर लाइटवेट में था एंड नेट वॉज इन वेल्टरवेट। फाइट टुक प्लेस ऑन 6 मार्च 2016 और फिर जो हुआ इट वॉज शॉकिंग फॉर एवरीवन। Nate Diaz, Conor McGregor. Here we go. Southpaw against southpaw. Conor's movement is so brilliant. There's a nice left hand by Conor. Conor the aggressor here early. Good head movement by McGregor. And there's another one. Conor's busting Nate up. 15 straight wins for Conor McGregor. Round one in the books. Crowd loving it, justifiably so. Round two. Taking it to McGregor here. Could he do it? He's on top. Trying to get out of it. Conor's in serious trouble. My goodness. Now he's got the back. He's got him flattened out. That's it. He's got the chance. Nate Diaz. He's out. Gentlemen, what a night! Playing the winner by submission, Nate Diaz! You just shook up the world. How's that feel? Hey, I'm not surprised, motherfuckers. They're the new king of this motherfucker now, and it's right here, all right? A bitter pill to swallow. 8 साल से चली आ रही विनिंग स्ट्रीक खत्म हो गई 15 लगातार फाइट्स जीतने के बाद, जिसमें 13 तो वो सिर्फ नॉकआउट से आई थी। नेट डियाज ने कॉनर मैकग्रेगर को यूएफसी में उसकी पहली हार सौंपी सबमिशन के थ्रू। फाइट के बाद सारी सिचुएशन को एनालाइज किया गया कॉनर की टीम द्वारा और उन्होंने ये पाया कि लाइटवेट डिवीजन कॉनर मैकग्रेगर के पंचेस वेल्टरवेट के फाइटर पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। बिकॉज ऑफ द वेट एडवांटेज नेट वॉज एबल टू एब्जॉर्ब दोस पंचेस। कॉनर अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था और उसने नेट डियास को फिर से चैलेंज किया एक रीमैच के लिए और बोला इस बार फुल तैयारी के साथ होगा। कॉनर ने अपनी टेक्निक्स में कुछ एडजस्टमेंट करी एंड ही केम बैक। इस फाइट को भी खतरनाक तरीके से प्रमोट किया गया। I'm ready to fight. That's all I know. Cut all the bullshit. I'm here. I'm ready to fight. Make no mistake, it will be a trilogy fight down the line. It won't be straight away, but we will do it 3 times, 100%. You're doing nothing. Shut your f***ing mouth, you'll do nothing. Get the f*** out of here. Get the f*** out of here. F*** you. That's all right. Hey. Connor, don't throw those fucking... Yeah, Connor. That's a wrap. Connor, so how do you describe what happened during today's news conference? Yeah, f*** the Diaz brothers, yeah? They walked out shouting, talking. F***
those cockroaches! What was it? You know what I mean? We're here ready to fight, we're ready for war. And if you're down with Team Diaz, then f*** you two! Let's bring it. It's time! So everyone over the rules in the back, protect yourself at all times, obey my commands at all times. I want you to fight hard, but fight clean. If you want to touch gloves, touch now. Good luck to both of you. Like I said the first time, not a chance. Not a chance. McGregor, Diaz, here we go! Connor with a combination. And again. McGregor over and over. Oh, he locked up, tagged him. Straight left connects. Connor says, get on up. Fight going according to plan thus far for McGregor. Oh, tag left. He heard of the back. Connor is fading radically here. Nate senses and it. Nate just pointed to him, and he just rocked him. They and clinch. Now he's putting pressure on him. Quick punches to the jaw. Oh! There's the big body shots. McGregor's in big trouble here. Nate Diaz is going looking off. To finish him right here, right now. Final seconds of the round. Here in round four. Nate is bloodied up, Mike, real bad. Again, Nate with the clinch, drops down for the double. Can he get it? No, good defense by Connor. Very nice combination there. He seems to have caught a second win, Mike. Wow. What a fight. They left it all inside the octagon. What a fight. For the winner by majority decision, the notorious Connor McGregor. You had to dig deep. Give us your thoughts. Surprise, surprise. The king is back. इस फाइट के बाद कॉनर ने लाइटवेट डिवीजन में चैंपियनशिप फाइट लड़ी अगेंस्ट एडी एल्वरेज और कॉनर बन गया यूएफसी के इतिहास का पहला फाइटर जो दो डिवीजन में एक ही बार में एक ही साथ दो वर्ल्ड चैंपियंस बेल्ट लेकर खड़ा है फेदरवेट और लाइटवेट डिवीजन में To hold two titles simultaneously, how does this all feel to you? I've spent a lot of time, Joe, slating everybody in the company. I've ridiculed everyone on the roster. I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f*** he wants. That's what I dreamed into reality. Oh, that looks good. That looks good. Conor McGregor, congratulations. It's been an honor calling your fight, sir. Thank you very much. You're welcome. Conor McGregor, ladies and gentlemen. चैंपियनशिप फाइट के बाद कॉनर ने यूएफसी से ब्रेक लिया अपने दूसरे बच्चे के बर्थ के लिए और इसी बीच हुई एक नई भसड़ कॉनर मैग्रेगर वर्सेस फ्लॉयड मेवेदर बॉक्सिंग की दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड्स में से एक इफ नॉट नंबर वन फॉर सम बट डेफिनेटली इन टॉप थ्री ऑफ ऑल टाइम फ्लॉयड ने अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर में आज तक एक भी फाइट नहीं हारी फ्लॉयड की फाइट इतनी बड़ी होती थी उसमें इतना पैसा इन्वॉल्व होता था जिसकी कोई हद नहीं फ्लॉयड के साथ लड़कर तुम भले जीतो ना पर वो तुम्हें हरा कर भी मिलियनियर बना देगा कॉनर मैग्रेगर ने एक बॉक्सर से बीफ शुरू कर दी थी एंड नॉट जस्ट एनी बॉक्सर बट फ्लॉयड मेवेदर काफी समय तक इन दोनों के बीच पब्लिक डोमेन में बैक एंड फोर्थ चलता रहा डिसरिस्पेक्टिंग ईच अदर ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स और फाइनली एक बॉक्सिंग मैच इन दोनों के बीच तय हुआ
26 August 2017 को ये फाइट हुई एंड फ्लॉयड विंस बाय टेक्निकल नॉकआउट इन द 10th राउंड एंड स्टिल बीइंग द अनडिस्प्यूटेड बॉक्सर इन द वर्ल्ड। ये फाइट बॉक्सिंग के इतिहास की सेकंड सबसे हाईएस्ट सेलिंग फाइट थी। फ्लॉयड ने इस फाइट से तकरीबन 2000 करोड़ रुपए कमाए और वहीं कॉनर मैकग्रेगर ने 1000 करोड़ के करीब। कॉनर यहाँ हार कर भी जीत गया। ये उसके जीवन की सबसे हाईएस्ट पेड फाइट थी। बीइंग अ नॉन बॉक्सर ही सर्वाइव्ड 10 राउंड अगेंस्ट द किंग ऑफ बॉक्सिंग। इस चीज़ को काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया क्योंकि बहुत से प्रोफेशनल बॉक्सर्स ये मुकाम नहीं हासिल कर पाए थे फ्लॉयड के अगेंस्ट जो एक नॉन बॉक्सर ने किया। फ्लॉयड से हारने के बाद कॉनर यूएफसी में वापस आया लाइटवेट डिवीजन में अपनी बेल्ट को डिफेंड करने एंड देन दिस हैपेंड। टुमारो नाइट आई एम गोना स्मैश योर बॉय गाइस, आई एम गोना स्मैश योर बॉय। खबीब और कॉनर ये दोनों एमएमए फाइटर्स एक टाइम पर काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन फिर इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। ये फाइट यूएफसी के इतिहास की सबसे बड़ी फाइट बनी। प्रमोशन के दौरान इस फाइट को काफ़ी जोरों शोरों से प्रमोट किया गया। कॉनर वॉज डूइंग वॉट ही ऑलवेज डज द बेस्ट, पर इस बार उसने लाइन क्रॉस कर दी। ही वॉज नॉट जस्ट डिसरिस्पेक्टिंग खबीब बट ऑल्सो इज फैमिली एंड इज रिलीजन। इस फाइट का सबको इंतजार था क्योंकि प्रमोशन के दौरान काफ़ी कुछ हुआ। इट वॉज नाउ वेरी पर्सनल फॉर खबीब एंड कॉनर। खबीब ने अपने प्रोफेशनल एमएमए करियर में एक भी फाइट नहीं हारी थी, वहीं कॉनर भी अपने प्राइम पर था। दोनों फाइटर्स अपने बेस्ट शेप में थे, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के मोड में थे। फाइट टुक प्लेस ऑन 7th अक्टूबर 2018। खबीब ने चौथे राउंड में कॉनर मैकग्रेगर को सबमिशन के थ्रू हरा दिया। इट वॉज रियली ह्यूज क्योंकि इस फाइट को प्रमोट करते टाइम कॉनर मैकग्रेगर ने बहुत सारी प्रेडिक्शन करी, बहुत सारी चीज़ें बोली और खबीब दूसरी तरफ बिल्कुल चुपचाप था। खबीब ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया और कॉनर से ऑक्टगन के अंदर बात करी, लेकिन इस बार खबीब के पंचेस बोल रहे थे लेकिन कॉनर चुप था। खबीब से हारने के बाद कॉनर ने 3 फाइट लड़ी जिसमें से वो एक जीता और 2 बहुत इंपॉर्टेंट फाइट हारा अगेंस्ट जस्टिन पोरियर। कॉनर और डस्टिन की राइवलरी काफी पुरानी है। इस साल की शुरुआत में दोनों की सेकंड फाइट हुई थी जिसमें पहली बार कॉनर को एमएमए में किसी ने नॉकआउट से हराया। साल के मिड में इन दोनों फाइटर्स के बीच ट्रायलॉजी फाइट हुई और अनफॉर्चुनेटली कॉनर ने इस फाइट के पहले राउंड में अपने लेफ्ट लेग की टिबिया फ्रैक्चर कर ली। डस्टिन वॉन द फाइट ड्यू टू डॉक्टर स्टॉपेज। कॉनर की फ्रैक्चर टिबिया को टाइटेनियम रॉड से रिप्लेस कर दिया गया एंड करंटली ही इज इन रिहैब। देयर इज नो डाउट कॉनर इज अ ट्रू लेजेंड ऑफ एमएमए। उसने ये एक्सेप्ट किया कि वो कभी कभार अपनी फाइट्स को प्रमोट करने के लिए लाइन क्रॉस कर देता है, बट इट इज ऑल फॉर द बिजनेस। देयर इज नो हार्ड फीलिंग फॉर एनीवन इन रियल लाइफ। What happened in cage stays in the cage. Connor ने अपने passion को follow किया, मेहनत करी and became the person we all know him today. Connor ने अपने पिता से बोला था कि वो 25 साल की उम्र में एक millionaire fighter बनेगा। खैर 25 तो नहीं पर 26 साल की उम्र में, even before becoming world champion in UFC, he became millionaire. इस साल Connor McGregor को world के richest sports athlete का title भी मिला। Connor के पास बहुत सारी sponsorships हैं और उसका खुद का business भी काफी अच्छा चल रहा है। लोगों का ये मानना है कि कॉनर के अंदर अब वो बात नहीं रही, ही इज नॉट हंग्री एनी मोर बिकॉज ही इज रिच नाउ। तो उसके अंदर का जो फायर था, उसके अंदर की जो एक आग थी चैंपियन बनने की, हर फाइट जीतने की, अपना बेस्ट देने की, वो कहीं खत्म हो गई पीछे। जिस किसी ने कॉनर से फाइट लड़ी, जीता या हारा डजंट मैटर, पर उसने मिलियंस ऑफ डॉलर जरूर कमाए। कॉनर इज लाइक द फ्लॉयड मेवेदर ऑफ एमएमए वर्ल्ड। कॉनर की रिसेंट इंजरी के बाद काफी लोगों ने यह भी स्पेकुलेट किया कि उसका वापस आना एमएमए के वर्ल्ड में नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि एक ब्रोकन लेग के साथ आप रिकवर करके वापस आ सकते हो बट यू आर नॉट द सेम एनी मोर। लेकिन आगे क्या होगा ये तो सिर्फ समय बताएगा। यू नो आई हर्ड ए क्वोट वन टाइम फ्रॉम विंसेंट वैन गॉग दैट रियली रैंग ट्रू। ही सेड ही हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ टू हिज आर्ट एंड ही हैज लॉस्ट हिज माइंड इन द प्रोसेस। व्हेन आई सैट एंड आई थॉट अबाउट दैट It sounded very familiar. I have given every single thing, every ounce of my life to this craft, to perfecting my craft, and I continue to do so. And in the process, I have lost my mind. To regular society, to people who wake up at 9 a.m., who clock out at 5 p.m., they would look at me and say, I've lost my mind. But me,
I have found it almost.